हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरुषोत्तम विश्वकर्मा योर इंग्लिश टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर फिगर ऑफ स्पीच। लिटरेरी डिवाइसेस कहिए, फिगर ऑफ स्पीच कहिए या फिर पोएटिक डिवाइसेस कहिए। इस वीडियो में हम 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं और ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठाया गया है। आई हैव टेकन ऑल दीज क्वेश्चंस from different competitive exams, so this is going to be very important for you. Watch till end. Let's begin. Question number 1 on your screen. She is a fan of stagnant waters. We have options. Do tell me your score out of all these 40 questions. Watch till end and tell me the score in comment section. She is a fan of stagnant waters. What is this? Simile, personification, metaphor, onomatopoeia. अब ये simile हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे as या like नहीं है। Personification का मतलब होता है जब किसी निर्जीव वस्तु को हम कोई मानवीय action दे देते हैं। Whenever we give action, human action to any non-living thing, तब वहाँ होता है personification। ये नहीं हो सकता। Metaphor, yes, she is a fan of stagnant waters. So what is this? Metaphor. Onomatopoeia में sound होता है। Next one, she falls like a tear from the eyes of a bride. सरोजनी नायडू की ये पोएम है पलंकिन बियरर्स, उसमें ये लाइन है like a tear, जहाँ कंपेरिजन आ गया, like आ गया, as आ गया, it's very easy. Simile. Next one, the naughty boy is cunningly simple. Cunningly simple, two opposite words, two contradictory words. यहाँ पे आप देखेंगे cunningly simple, जब दो contradictory words एक साथ आ जाएं तो वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीमोरोन, विरोधाभास अलंकार। So what is the answer? ऑक्सीमोरोन। Next one, the beauty born of murmuring sound. अभी मैंने बोला आपको जहाँ sound होगा वहाँ ओनोमेटोपोइया होगा, मर्मरिंग साउंड, ये मर्मरिंग ओनोमेटोपोइया। रोम दाउ हैज सीन मच बेटर डेज। रोम, एक्सक्लेमेशन मार्क है, दाउ हैज सीन मच बेटर डेज। अब जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, संबोधन आ गया, वहाँ पे सिंपल सा आपको करना है अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी में क्या होता है? किसी एब्सेंट या फिर डेड को हम याद करते हैं, संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी येट। सेम, अभी लास्ट हमने जो पढ़ा वही चीज है, यहां भी अपॉस्ट्रॉफी। नेक्स्ट वन, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट प्री टू ऑल। अब यहां पे क्या होगा? ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, यहां भी विरोधाभासी चीजें हैं। So what is this? This is oxymoron. Next one, variety is the spice of life. Variety is the spice of life. It's very easy. What? Hyperbole? नहीं, exaggeration नहीं है। Metaphor? Yes. This is the example of metaphor. Death lays his icy hands on kings. Death non-living thing है, उसको हैंड्स दे दिए गए, ह्यूमन एक्शन दे दिया गया और जहाँ पे ह्यूमन एक्शन दे दिया गया वहाँ क्या हो गया? पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट वन, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। एग्जैगरेशन, हाइपरबोली, इट्स हाइपरबोली। नेक्स्ट वन, द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। थंडर, थंडरिंग साउंड आ गया, जहाँ साउंड आ गया, बोला मैंने आपको जहाँ साउंड आ गया वहाँ क्या हो गया? ओनोमेटोपोइया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। ग्रंट ग्रंट, ये सुअर की आवाज़ है, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, जहाँ साउंड आ गया वहाँ ओनोमेटोपोइया हो गया। नेक्स्ट वन, as many farewells as there be stars in the heaven. exaggeration, बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है और जहां बढ़ा चढ़ा के बात कही जाएगी वहां क्या होगा? हाइपरबोली। 14th one, इट ड्रॉपeth एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया ये, विलियम शेक्सपियर की राइटिंग। इट ड्रॉपeth एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, मर्सी के बारे में है ये। ऑक्सीमोरोन, सिमिली, पर्सनिफिकेशन, मेटाफर। एज द जेंटल रेन, एज आ गया, कंपेयर हो गया तो सिमिली हो गया। नेक्स्ट वन, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। लाइफ इज कंपेयर टू अ वॉकिंग शैडो, बट द वर्ड्स लाइक, एज, एब्सेंट, सो इट इज इम्प्लाइड सिमिली, एंड वेयर देयर इज इम्प्लाइड सिमिली देयर इज मेटाफर। नेक्स्ट वन, द सेक्रेटरी वॉज कॉन्स्पिकुअस बाय हिज एब्सेंस। कॉन्स्पिकुअस, इजिली सीन और नोटिस्ड, इसका मतलब होता है आसानी से दिखने वाला। बाय हिज एब्सेंस, अब दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? दो कंट्राडिक्टरी ओपिनियंस हैं, अब जब दो कंट्राडिक्टरी ओपिनियंस एक साथ आएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीमोरोन। सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, लूसी ग्रे के बारे में है ये पोएम। सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, एज कंपेयर किया गया, और जहां कंपेयर किया गया वहां क्या हो गया? सिमिली, अगर वर्ड्स हैं एज या लाइक। Truth sits upon the lips of dying man, sits upon, human action, और जब human action दे दिया गया तो क्या हो गया? Personification। His honor rooted in dishonor stood, his honor rooted in dishonor stood। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, विरोधाभासी चीज़ें आएंगी। अब जब विरोधाभासी चीज़ें आ गई तो क्या हो गया? विरोधाभास अलंकार, ऑक्सी मरून। नेक्स्ट वन, द स्नेक हिसेस इन द बुश। हिसेस, स्नेक की आवाज़ हो गई, साउंड आ गया, और जब साउंड आ गया तो आराम से आप बता देंगे कि ये क्या है? ओनोमेटो पोइया है। ओ कुकू शैल आई कॉल द बर्ड, जहाँ पे संबोधन आ जाए, एड्रेस आ जाए, वहाँ पे क्या हो गया? अपोस्ट्रोफी। द माइटी माइंड्स माई मास्टर कन्वेज, अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो एम जो लेटर है वो बार बार रिपीट हो रहा, माइटी माइंड्स माय मास्टर, और जब एक ही लेटर बार बार रिपीट हो वर्ड्स में, एक ही सेंटेंस में, तो वो एग्जाम्पल होता है किसका? एलिटरेशन का। तो यहाँ पे क्या होगा? एलिटरेशन। नेक्स्ट वन, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, या तो मुझे आज़ादी दे दो या फिर डेथ दे दो। अब ये क्या हो गया? और जब और आ जाए, ऑक्सीमोरोन और एंटीथेसिस में बड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है, ये ऑक्सीमोरोन नहीं है, यहाँ पे विरोधी चीज़ें हैं, लेकिन बीच में एक कंजंक्शन आ गया, और जब कंजंक्शन आ गया तो क्या हो गया? एंटीथीसिस हो गया। कभी कभी बिना कंजंक्शन के भी आता है, लेकिन हम वहाँ पे मीनिंग देखते हैं, अगर वहाँ कंजंक्शन की मीनिंग आती है तो हम उसको मानेंगे एंटीथीसिस। They were swifter than eagles and stronger than lions, exaggeration, बढ़ा चढ़ा के बात कही गई, और जब बढ़ा चढ़ा के बात कही जाए तो सिंपल सा है, क्या होगा? हाइपरबोली। नेक्स्ट वन, द न्यूज यू ब्रिंग इज अ डैगर टू माई हार्ट। न्यूज को कंपेयर कर दिया गया किससे? एक डैगर से, और जब डैगर से कंपेयर कर दिया गया, और कंपेयर करने के वर्ड्स लाइक, एज नहीं है, इम्प्लाइड सिमिली हो गया, और जब इम्प्लाइड सिमिली हो गया तो क्या हो गया? ये मेटाफर हो गया। नेक्स्ट वन, हाउ हैप्पी इज ही हियर। हाउ हैप्पी, अब ये यहाँ पे देखेंगे आप तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अलावा और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ यूज की गई है? एच एच, ही, एच बार बार रिपीट हो रहा है। हाउ हैप्पी इज ही हियर, सो व्हाट इज दिस हियर? एलिटरेशन, बिकॉज ऑफ रिपीटिशन ऑफ एच। एच को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो गया? ये एलिटरेशन हो गया। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू, पुराने ऑर्डर्स बदलते हैं, नए उनकी जगह लेते हैं। सो व्हाट इज दिस? विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर? हाइपरबोली, नो, एग्जैगरेशन इसमें नहीं है। एलिटरेशन, ऐसा कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। मेटाफर, नहीं, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? एंटीथेसिस। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो कॉमा लगा हुआ है, बीच में कंजंक्शन आएगा। इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, and burn at the topless towers of Ilium. So what is this here? Personification, hyperbole, metaphor, oxymoron. What is this? Hyperbole that launched 1,000 ships. बड़ा चढ़ा के बात कही गई, तो क्या हो गया? हाइपरबोली. Fools rush in where angels fear to tread. What is this here? Antithesis, oxymoron, simile, metaphor. यहाँ पे आप देखेंगे तो दो विरोधी बातें कही गई हैं. अब जब दो विरोधी बातें कही गई हैं उस कंडीशन में आपको ये भी नोटिस करना होगा कि दो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ अगर आ गए तो वो होगा ऑक्सीमोरोन, और अगर कंजंक्शन कुछ आ गया बीच में तो वो हो गया एंटी थीसिस. तो यहाँ पे क्या होगा? एंटी थीसिस. मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. वेरी इंपॉर्टेंट. मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. सेम, इंसान मांगता है भगवान देता है, इंसान मांगता है और भगवान देता है. सो इट इज़ नॉट ऑक्सीमोरोन, इट इज़ antithesis. She is so intelligent that wisdom is invisible on the earth. अब यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगी, पॉजिटिव वर्ड को इस्तेमाल किया गया लेकिन स्ट्रेस किस पे है? नेगेटिव मीनिंग पे है. अब जब ऐसा हुआ, स्ट्रेस पड़ गया नेगेटिव पे, वो इतनी बुद्धिमान है कि विजडम दुनिया से गायब हो गया. सो व्हाट इज दिस? दिस इज आयरनी. Next one, I am no novice in teaching. No novice. Novice का मतलब होता है नौसिखिया. मतलब मैं टीचिंग में नौसिखिया नहीं हूँ. अब ऐसी सिचुएशन में ये क्या होगा? जब नेगेटिव वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं टू गिव पॉजिटिव मीनिंग. आई एम नो नोविस इन टीचिंग, दैट मीन्स आई एम ट्रेंड. मैं नौसिखिया नहीं हूँ, मतलब पढ़ा लिखा हूँ, सीखा हुआ है मैंने. सो व्हाट इज दिस? आयरनी, लाइटोटीस, पर्सनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट. दिस इज लाइटोटीस, जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस गिव्स पॉजिटिव मीनिंग. आयरनी में क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस गिव नेगेटिव मीनिंग. सी थ्रू अवे द अनहैप्पी फ्लावर्स. अब फ्लावर्स को अनहैप्पी दे दिया गया, बना दिया गया, वहाँ पे फीलिंग्स दे दी गई, चीज़ों को, नॉन लिविंग थिंग्स को फीलिंग दे दी गई. जहाँ फीलिंग दे दी गई वहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट, एक्शन दे दिया गया ह्यूमन, वो हो गया पर्सनिफिकेशन, और जहाँ पे फीलिंग दे दी गई वहाँ हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट. सो हियर इट इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट. द टेररिस्ट लाइज इन द जेल. अब ये जो लाइज है यहाँ पे डुअल मीनिंग देता है. वन वर्ड टू मीनिंग्स. कैसे? द टेररिस्ट लाइज, लाई मतलब झूठ बोलना और लाई मतलब स्टे. तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ क्या होता है? पन, इसको बोलते हैं हम. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पन. एक वर्ड की दो मीनिंग, अलग अलग मीनिंग निकलती है, दैट इज पन. 35. Nobody can hurt the crown. अब यहाँ पे एक वर्ड आया crown. ये crown यहाँ क्या है? crown का मतलब the king, यानी राजा को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता. So what is this? This is a substitute of name. किसी name के लिए ये substitute इस्तेमाल किया गया. So what is this? This is known as metonymy. This is metonymy. Next one, never friend makes he. वो कभी मित्र नहीं बनाता. इसका एक्चुअल सेंटेंस क्या होना चाहिए? ही नेवर मेक्स फ्रेंड. व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज इनवर्जन. नेक्स्ट वन, अ टीचर मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड. सो व्हाट इज दिस? अ टीचर मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड. एपिग्राम, पैराडॉक्स, टॉटोलॉजी, पन. पन तो हो नहीं सकता. क्या होगा ये? इट इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स कंट्राडिक्ट्स इट्स ओन आइडिया. अब यहाँ पे आप देखेंगे टीचर मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड, अपने आप को ही कंट्राडिक्ट कर रहा जो सेंटेंस है. ही पास्ड अवे, वो गुजर गया. इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते थे, ही डायड, लेकिन वो बात नहीं रहती है. So if we use like that, he passed away, he breathed his last, अगर ऐसे वर्ड्स को हम इस्तेमाल करते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म में क्या होता है, सेंटेंसेस को हम लेस अनप्लीजेंट बनाते हैं। अगर सीधे सीधे डाइड लिख देते तो ज़्यादा अनप्लीजेंट हो जाता। पास्ट अवे का मतलब डेथ ही है, लेकिन सीधे सीधे हम डेथ का यूज नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज यूफेमिज्म। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपोजिट व्यूज आर प्रेजेंटेड। अब चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये कैसे हो सकता है? बट इट इज अ यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ऐसी सिचुएशन में ये क्या होता है, एपिग्राम होता है, जब अपोजिट व्यूज प्रेजेंट किए जाते हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एपिग्राम। नाउ लास्ट वन, डू टेल मी योर स्कोर आउट ऑफ दीज 40 क्वेश्चंस in comment section. I have been one acquainted with the night, I have walked out in rain and back in rain. अब यहाँ पे आप देखेंगे इन सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में I have ये दोनों कॉमन हैं। When the same word is used in two consecutive lines, क्या होता है वो? एनाफोरा होता है। आपने एलिट्रेशन पढ़ा, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स, आपने रिपीटिशन पढ़ा, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, और अब ये आएगा एनाफोरा, जब एक ही वर्ड टू कंसेक्यूटिव लाइन्स में आ जाए, दैट इज एनाफोरा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।